देखिए तो पेट्रोल का कीमत जो हो गया है 104 रुपये, 105 रुपये, और डीजल की कीमत 97 पर लीटर। कितना अच्छे दिन आ गए, ओह पसीना छूट गया। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ई माइंड। और आज मैं आपको ले चलता हूँ इस ब्लॉग वीडियो में, दिखाता हूँ कि बड़गांव पेट्रोल पंप पे और अभी पेट्रोल की कीमत क्या हो चुकी है और क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिले हैं। यहाँ बड़गांव पेट्रोल पंप काफ़ी फेमस है, देख सकते हो आप इस तरीके से। ये है बड़गांव पेट्रोल पंप। तो आइए हम कुछ लोगों से मिलते हैं और इस मोदी सरकार के इस पेट्रोल की कीमत के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। मैं अपनी सफारी को दिखाता हूँ, ये है मेरी सफारी जो अभी हमारे ये भाई लोग अभी इसको चमका रहे हैं। ये हमारी सफारी है छोटी सी, और ये हमारे दोस्त हैं, ये पेट्रोल पंप पे रहते हैं। आपको अगर गाड़ी साफ़ करवाना है तो आइए कभी भी मिलने के लिए, और इस चैनल के थ्रू आप आ सकते हैं बड़गांव पेट्रोल पंप पे। देखिए यहाँ पे ये, और इस ब्लॉग वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अभी मैं देखिए मेरी गाड़ी कितनी चमक गई है, कितनी बेहतरीन तरीके से अच्छे से साफ़ सफाई होती है इसकी। और इसको आप स्प्रे वगैरह डाल करके तेल वगैरह से और चमका भी सकते हैं। मैं ले चलता हूँ दूसरी तरफ पेट्रोल पंप की तरफ, दिखाता हूँ कि पेट्रोल की कीमत में क्या बढ़ोतरी हुई है और क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिला है। ये ब्लॉग वीडियो काफ़ी फेमस, आप जो हो सके जितना हो सके इसको फेमस करवाइए लोगों के बीच। ओके, तो ये पेट्रोल पंप, ये हमारे भाई साहब हैं। भाई साहब अभी पेट्रोल का 104 रुपये 99 पैसा भाई साहब, सुनिए 104 रुपये 99 पैसे। तो ये हमारे मोदी सरकार कितने महान काम कर रहे हैं कि देखिए 5 रुपये पेट्रोल की कीमत पहुँच चुकी है। ये बड़गांव पेट्रोल पंप देखिए, खचाखच भीड़ रहती है यहाँ पर। इस ब्लॉग वीडियो को आप देखिए जितना हो सके शेयर कीजिए। ये हमारे भाई साहब, हमारे अपने भाई साहब हैं, और ये भी पेट्रोल भर रहे हैं। देखिए काफ़ी सारा यहाँ पर डीजल मिलने को देखने को मिलेगा। मैं दूसरी तरफ ले चलता हूँ आपको, ये बड़गांव पेट्रोल पंप को दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ इस साइड जो देख रहे हैं ये पेट्रोल पंप है, और इसके जस्ट बगल में यहाँ जो होता है वो क्लीनिंग का काम होता है। और आपको मैं दोबारा दूसरी तरफ ले चलता हूँ, यहाँ से एंट्रेंस होता है इस कॉर्नर से, और इधर दूसरी तरफ बढ़ती है। तो देखिए तेल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। आप क्या चाहते हैं, इस सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और गाड़ियों की कीमत में क्या बढ़ोतरी हो रही है, तेल की कीमत बढ़ने से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप उस पर भी विश्लेषण करेंगे। और सरकार का क्या योगदान रहा है इसको बढ़ाने में, उसके बारे में भी पूछना कहना चाहेंगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये दूसरी तरफ यहाँ से मोमेंट करने के साथ, और वहाँ से हमारी गाड़ी सप्लाई होती है। और इसके साथ ये ऑफिस है पेट्रोल पंप बड़गांव का, काफ़ी फेमस है, और इस साइड इसका मेन ऑफिस है। और हमारी गाड़ी जो है वो इस साइड यहाँ पे घूम रही है। हमारी सफारी अब लगभग साफ़ हो चुकी है, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। ये ब्लॉग वीडियो हो सके जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से और ब्लॉग वीडियो बना करके आपके पास लाऊंगा। ओके, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ यू। बाय बाय।